साल भर में कुल 24 एकादशी आती है। हर एकादशी का अलग अलग महत्व है। इस बार जो एकादशी आ रही है अजा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इसका महत्व। जी, एकादशी मुख्यतः भगवान हर विष्णु भगवान के निमित्त की जाती है तथा सभी पापों को तथा सभी दोषों से मुक्त होने के लिए तथा जितने भी तीर्थ यात्रा अपन ने की हो उन तीर्थ यात्राओं को फल के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है और अनेक प्रकार से एकादशी का व्रत किया जाता है और पूरे साल भर में 24 एकादशी कही गई है और 24 एकादशियों का अलग अलग नाम से जानी जाती है और अलग अलग पुण्य से अलग अलग प्रभाव और अनेक प्रकार अलग अलग तात्पर्य में की जाती है। किसी एकादशी को पुत्र प्राप्ति हेतु तो किसी एकादशी को धन प्राप्ति है, किसी एकादशी सिद्धि प्राप्ति हेतु अनेक एकादशी का अलग अलग महत्व कहा गया है। उसी प्रकार ये भादव मास के कृष्ण पक्ष के जो एकादशी आ रही है इसका नाम अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। वह एकादशी सभी पापों को नाश करने वाला तथा अनेक प्रकार के पुण्य को देने वाला कहा गया है तथा इस एकादशी में एक सर्वार्थ सिद्धि योग तथा एक सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में भगवान हरि विष्णु भगवान का पूजन कर करके एकादशी का व्रत करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा समस्त तीर्थ यात्राओं के फल को प्राप्त अपन कर सकते हैं। तथा इस एकादशी के व्रत के दिन भगवान हरि विष्णु भगवान का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं और एकादशी का व्रत कर करके अनेक प्रकार के लाभ की अपन प्राप्ति कर सकते हैं। यह अजा एकादशी कृष्ण पक्ष के भादव मास की प्रथम एकादशी कही गई है जो कि 29 अगस्त को गुरुवार के दिन आ रही है। यहाँ पर इस दिन एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के भगवान हरि विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और कहा जाता है अजा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, उसके बराबर ही फल उसे प्राप्त होता है।